नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र 22 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में भाई भतीजावाद समाप्त किया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। वर्ष 2020 से हम कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नकाल मति वर्तन्ते मानता सर्वेषु कर्मसु, अर्थात कर्मठ लोग अपने कर्तव्य में कभी देरी नहीं करते। इसी बात का अनुसरण करते हुए मेरी सरकार ने महामारी से बचाव, राहत व इलाज के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी से प्रदेशवासियों के धैर्य, साहस और विश्वास की सराहना करता हूँ। मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उनके ही सिद्धांतों की पालना करते हुए मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र, हर वर्ग का समुचित विकास। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार ने हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया। साथ ही लाभार्थियों तक पेंशन, सब्सिडी, वित्तीय सहायता जल्द और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पहुंचाने के लिए DBT सुविधा शुरू हुई। गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना शुरू की है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था बनाई जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। इस नई ई व्यवस्था में कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर पाता है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। शासन का सुशासन ज़्यादा, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई नई पहले की है। गरीब से गरीब व्यक्ति। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव किया गया और
सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह यादव के निधन और हरियाणा के 17 वीरों के बलिदान पर भी शोक प्रस्ताव पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र की समाप्ति और इस सत्र के प्रारंभ होने से पहले कुछ मानुभूतियां हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या 1, यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2, ये सदन जिला रोहतक के गांव निगाणा के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3, ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं सीएम के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। प्रस्ताव शोक प्रस्ताव संख्या 1, यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को
अपूर्णीय क्षति हुई है, उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदभय साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कैप्टन साहिल वत्स रोहतक, सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान गांव रतनथल जिला रेवाड़ी, सूबेदार रमेश चंद्र गांव जानी जिला करनाल, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कृष्ण कुमार गांव सुताना जिला पानीपत, हवलदार रामपाल गांव भवकपुरपुर जिला रोहतक, हवलदार असबीर सिंह गांव सुरकान कला जिला जींद, हवलदार रामपाल गांव चितलांग जिला महेंद्रगढ़, हवलदार नरेश कुमार गांव सतनाली जिला महेंद्रगढ़, हवलदार परवीन कुमार गांव डूडीवाला किशनपुरा जिला चरखी दादरी, नायक विजय पाल गांव नीलाहेड़ी जिला झज्जर, नायक संदीप दांगी गांव गढ़ी हिसार, लांस नायक सचिन डागर गांव अलीपुर जिला गुड़गांव गुरुग्राम, लांस नायक प्रीत सिंह गांव जैतपुर जिला झज्जर। आज से 22 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, इस बार बजट सेशन में कितनी बैठकें होंगी, पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो 2 से 22 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 8 मार्च को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। प्रदेश की गठबंधन सरकार का तीसरा बजट ये होगा। विधानसभा के बजट सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 7 मार्च को सीएम मनोहर लाल अभिभाषण पर जवाब देंगे। लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में सत्र अवकाश भी रहेगा। तो 9 मार्च से 11 मार्च तक बजट सत्र में अवकाश रहेगा। 12 और 13 मार्च को शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। बजट पर अध्ययन के लिए विधायकों की कमेटियां बनेंगी। कमेटियां बजट पर अध्ययन कर अपने सुझाव सीएम को देंगी। तो 14 से 16 मार्च तक प्रदेश के बजट पर चर्चा होनी है। 17 मार्च को बजट सत्र में फिर अवकाश रहेगा। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश रहेगा। 22 मार्च को विधायक कामकाज निर्धारित किए गए हैं। 22 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र का समापन होगा। 2 साल बाद सामान्य तौर पर ये विधानसभा सत्र चलने वाला है। कोरोना के चलते 2 सालों से व्यवधान हो रहा था और विजिटल गैलरी मीडिया गैलरी इसे भी यहां पर खोला जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों के नाम जारी किए गए। विधायक नीरज शर्मा और निर्मल रानी को सम्मानित किया गया। निर्मल रानी विधानसभा के अंदर शिक्षा पब्लिक हेल्थ और अन्य कमेटियों में इनकी उपस्थिति विधायक कार्यों में 99% रही। दोनों विधायकों को सम्मान स्वरूप 1,00,000 रुपए की नगद राशि शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। तो सदन के पहले दिन की कार्रवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। सरकार का जो बजट है वो सदन के अंदर रखा है और बजट के पश्चात जो कुछ विधायी कार्य थे वो हमने किए हैं और अब अगले 3 दिन के अंदर 3 तारीख 4 तारीख और 7 तारीख को बजट की ऊपर चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि पर्याप्त समय हम बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए अपने सभी विधायकों को देंगे।
और उसके पश्चात फिर बजट प्रस्तुत होगा, बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर उनका धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे सभी का। कल की जो कार्रवाई है, कल अनऑफिशियल डे है, तो उसमें अनऑफिशियल रेजोल्यूशन एक आया हुआ है, उसके ऊपर लगभग 1.5-2 घंटा चर्चा करने का प्रावधान है। वो है कि जो प्रदेश में लावारिस या आवारा जो पशु हैं उनको लेकर के ये प्राइवेट मेंबर बिल आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वीरवार को ही ये लगता है, अनऑफिशियल डे होता है हमारा, तो मैं समझता हूँ कि आज की जो कार्रवाई है उसमें सबका सहयोग मिला है, सत्ता पक्ष विपक्ष का, और जो एक नियमानुसार कार्य है वो हमने करने का प्रयास किया है। बजट को लेकर भाटिया ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। संजय भाटिया ने कहा कि वोटों को प्रभावित करने वाला बजट नहीं, अगली जनरेशन तक को ध्यान में रखकर बजट पेश किया करेगी सरकार। संजय भाटिया ने कहा कि बजट में फोकस किसान पर होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इश्यू, उद्योग, रोजगार, कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर ये पेश किया जाएगा। टाइम निकल गया, पानीपत को क्या मिला, करनाल को क्या मिला, जैसे केंद्र का बजट आया हरियाणा को क्या मिला, वो लोक लुभावन बजट जो है ना, सिर्फ एक वोटों को प्रभावित करना, एक ओपिनियन बनाया, उसके बाद सारी इकोनॉमी बैठ जाती थी। इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया, हेल्थ इश्यूज को एड्रेस किया, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पहले नहीं थी, कई गुना बजट उसके अंदर बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जिससे सही देश का विकास होता है उसके ऊपर किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर पूरी तरह फोकस है, किसान के ऊपर पूरी तरह फोकस है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। आज से पहले जितनी भी सरकारें रही, किसानों की मजदूरों की बात तो करती रही, अल्टीमेटली बिल्कुल धरातल की ओर ले गए, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, खाद और दवाई का इतना उपयोग हुआ कि लोग कैंसर से बीमार होने लग गए, हर फूड को, हर खाने को पॉइजन कर दिया, लेकिन ये सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए सोच रही है, तत्कालिक वाहवाही लेने के लिए ना मोदी जी कोशिश करते हैं, तत्कालिक वाहवाही लेने के लिए ना मनोहर जी कोशिश करते हैं, जिसमें अल्टीमेट जो बाद में आने वाली हमारी जनरेशन हैं उनको लाभ पहुँचे, इस तरह का बजट हरियाणा का भी आएगा जो सबके भले के लिए होगा। यूक्रेन और रूस के बीच 7वें दिन भी जंग जारी है। लगातार हो रही बमबारी से जहां एक तरफ यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, वहीं हजारों भारतीय छात्र भी अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार ने बॉर्डर पर भारतीयों की वापसी में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 मंत्रियों को यूक्रेन के चारों तरफ पड़ोसी देशों में भेजा है। हरियाणा के करीब 1700 बच्चे जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बच्चे वापस आ गए हैं उनके परिजन ने राहत की सांस यहाँ पर ली है। लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो भारत सरकार की तरफ से भेजी जा रही है और बच्चों को वापस लाया जा रहा है। तो यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश जारी है। हरियाणा के अभी भी यूक्रेन में 1700 छात्र फंसे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से किस जिले के कितने छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो पानीपत में सबसे ज्यादा 141 पानीपत के जो बच्चे हैं जो यूक्रेन में अभी तक फंसे हुए हैं। सोनीपत के 106 बच्चे, यमुनानगर के 108, हिसार के 98, कैथल के 93। ये देखिए आप किस तरह से अलग अलग जिलों के बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं और यूक्रेन में ये अभी तक हैं और इन्हें लगातार कोशिश की जा रही है वापस लाने की। गुरुग्राम के 91 बच्चे, रोहतक के 91, पलवल के 84, जिंद के, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी लिस्ट यहां पर सामने जारी की गई है। यूक्रेन के में अभी भी 1700 बच्चे जो हरियाणा के हैं वो अभी भी यूक्रेन में है और उन्हें लगातार कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से वापस लाने की। तो अम्बाला के 71 बच्चे, सिरसा के 43, नूह के 41, झज्जर के 36, महेंद्रगढ़ के 30 बच्चे, अलग अलग जिलों के बच्चों की संख्या हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 1700 बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
ये आप देख सकते हैं किस तरह से पानीपत जिला जो है सबसे ज्यादा पानीपत के जो बच्चे हैं 141 बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इंतजार बच्चों का हो रहा है कि कब उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा, वापस वो अपने वतन आ सकेंगे। कई बच्चे हालांकि अभी वापस आ चुके हैं जिनके घर वालों ने राहत की सांस ली है। लगातार जो है कोशिशें तेज हो गई हैं क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में एक भी बच्चा वहां छूटना नहीं चाहिए, यही कोशिश यहाँ पर भारत सरकार की देखी जा रही है। तो यूक्रेन से लौट रहे छात्रों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाई है। हेल्प डेस्क के लिए 3 पुलिस कर्मचारियों और हेफेट के एक अधिकारी को मुंबई भेजा गया है। हरियाणा के जो छात्र मुंबई पहुंचेंगे उन्हें हेल्प डेस्क दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। छात्रों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों और छात्रों की सहायता के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर संजय जून को नोडल अफसर बनाया है। जिला स्तर पर उपायुक्त नोडल अफसर होंगे। तो बच्चों के लिए हेल्पलेस बनाए गए हैं, छात्रों को दिल्ली लाने की व्यवस्था यहां पर की गई है। लगातार जो है हरियाणा सरकार बनी हुई है कि किस तरह से जो बच्चों को वापस लाया जाए। हेल्पलेस यहां पर बनाया गया है, ना केवल फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहां बनाया गया है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।